जुदा के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है। पलकों में बन के आ गए तुम, और कहाँ थे इतनी देर से? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ यहाँ पर? आती है जुदा के भी। और मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मुझसे बात करो? वैसे भी तुम मुझसे बात करना चाहती कहाँ हो? और मैंने सुना है कि तुम्हारे भैया हम दोनों को लेकर बहुत परेशान है। नहीं भी, ऐसी बात नहीं है। भैया का वो मतलब नहीं है कहने का। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारे भैया का? वो मुझसे मिलने के लिए मना करते रहते हैं ना तुमसे। वीर, तुम छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? और तुम्हें पता है ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और भैया को ना किसी ने भड़का दिया होगा हमारे खिलाफ। सालू, अगर तुम्हारे भैया ने हमें यहाँ पर मिलते हुए देख लिया ना, तो मुझे तो वो जान से ही मार देंगे। वीर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हें पता है मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो सालू, हकीकत को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ? तुम कितने अमीर घर से बिलोंग करती हो? वीर, तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं अपने भैया को मना लूंगी खुद, और हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सालू यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आज के बाद हम दोनों नहीं मिले तभी अच्छा होगा, और बस यही सब बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। चलता हूँ मैं। वीर, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ छोटी, पहले बैठ, उसके बाद पूछना जो पूछना है। भैया, तुम ये बदमाशी छोड़ क्यों नहीं देते? आपको पता है आपकी इस बदमाशी से कितने लोगों को तकलीफ होती है। तू ये सब क्यों बोल रही है? तू बस अपने काम से काम रख। भैया, मैं नहीं चाहती हूँ कल को भगवान न जाने तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। और आपको तो पता ही है, आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। तू ये सब घुमा फिरा कर क्यों कह रही है? सीधे साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? मैंने तुझे उस लड़के से मिलने को मना कर दिया, इसलिए तू ये सब बातें बोल रही है। भैया, आप तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। तू मुझे पागल मत बना, वो तुझसे शादी नहीं करने वाला, क्योंकि उसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, तेरी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी? देख, मैं तुझसे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया, मैं मरना मंजूर करूंगी, पर आपके कहने से शादी नहीं करूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? अगर आज के बाद मुझसे इस तरीके की बात की ना, तो तेरी जुबान काट लूंगा। भैया, आपको पता है समंदर में ना कितना भी मीठा डाल दो, उसका पानी खारा का खारा ही रहेगा, और आप जैसे हो ना, आप हमेशा वैसे ही रहोगे। तेरी जुबान ना अब बहुत चलने लगी है, और एक बात कान खोल कर सुन ले, तू अब जहाँ भी जाएगी ना, मेरी मर्जी से जाएगी। चल अब तू। भैया छोड़ो। पता नहीं वो कौन लोग थे, मेरे पीछे से डंडा मार दिया उन्होंने सर में, और मेरे पैसे भी लेकर भाग गए। एक काम करो, तुम उठो, हम लोग घर चलते हैं। जे तू मर भी गया, गल मेरी चुभ गई, जरा सुन के ताजा।
रघुवीर, क्या हुआ ये? सिर में चोट कैसे लगी तेरे? पता नहीं भैया, वो मैं आपसे पैसे लेकर जब मार्केट जा रहा था ना, तो रास्ते में किसी ने आकर पीछे से मेरे सर में डंडा मार दिया और मेरी जेब से पैसे भी निकाल कर ले गए, लेकिन पता नहीं कौन थे वो। अच्छा ये बताओ, ये लड़की कौन है? भैया ये मेरी दोस्त है, और वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ टाइम पर आ गई, इसलिए मुझे यहाँ घर लेकर आ गई, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। वीर, तुम भैया से छुपा क्यों रहे हो? भैया को साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि मैं कौन हूँ? भैया ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है। तू ये बात बता, तूने मुझसे आज तक कोई बात छुपाई तो नहीं, अब क्यों छुपा रहा है? अब साफ साफ बता दे क्या बात है। भैया तुम इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बोलती है, पागल है ना ये, इसलिए बोल रही है सब। भैया हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और वीर किसी को भी सच बताना नहीं चाहते। बस उगल दिया ना सब कुछ, सच मिलेगी दिल को तसल्ली। छोटी तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? तू मुझे पहले बता देता तो तुम दोनों लोग की शादी ना करा देता। भैया तुम इसके बारे में अभी पूरे तरीके से नहीं जानते हो, इसका भाई ना इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, और मुझे नहीं लगता कि वो हम दोनों की शादी कराएगा। अरे छोटे तू कैसी बातें कर रहा है, उसके अंदर भी दिल है। छोटे तू टेंशन मत ले, मैं उसे समझा दूंगा, तुम दोनों आपस में बात करो और मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा कौन सा मर्द का बच्चा पैदा हो गया जिसने मेरे भाई पर वार किया था? अगर शेर जंगल छोड़ दे तो कुत्तों को ये नहीं समझना चाहिए कि जंगल हमारा हो गया। मुझे कुछ भी नहीं पता, 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। वो कौन था जिसने मेरे भाई पर वार किया था? अगर वो आदमी नहीं मिला तो तुम भगवान के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओ। तुम अपने भाई का नाम बता दो और मैं उनसे बात कर लूंगा। भैया जी मेरे भैया का नाम गब्बर है। क्या तुम गब्बर की बहन हो? क्या हुआ भैया, गब्बर का नाम सुन के डरने लगे? मना कर रहा हूँ मैं आपसे, मत जाना वहाँ पर, वो आपकी बात नहीं मानेगा। ऐसी बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है। सुन छोटी, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं, रेडी हो जाना। अभी तू अंदर चल, मैं अभी 5 मिनट में आता हूं। अब ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? तुझे मेरे आदमियों ने एक बार सबक सिखाया, तेरी समझ में नहीं आया? भैया छोड़ दो वीर को। अरे भैया जी तुम और यहाँ कैसे? तुम अच्छी तरह जानते थे मेरे भाई के बारे में, और आज तुमने इन्हें मजबूर कर दिया अपना असली चेहरा दिखाने में। और हाँ, तुम मेरे भाई के बारे में अभी कुछ भी जानते नहीं हो। एक बार पता है क्या हुआ, स्कूल टीचर ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था, मेरे भाई ने क्या किया, उसका हाथ ही कटवा दिया। और तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे नहीं पता था कि तुम इनके भाई हो, वरना मैं कभी नहीं सोचता तुम पर हाथ उठाने की। भैया मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो? हाँ छोटी, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और इस शहर के ये सबसे बड़े बदमाश थे। इनके पिताजी ने इनके बचपन में इनसे वादा किया था कि बदमाशी का काम छोड़ दो, और तब से अब तक इन्होंने सारा काम मुझे सौंप दिया। सालू तुम्हारे भैया ठीक बोल रहे हैं, मेरे भैया ने तो ये काम काफी टाइम पहले ही छोड़ दिए थे, और ये नहीं चाहते थे कि मैं इन कामों में पढूं, और तब से आज तक ये खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। वीर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेजे। अच्छा वो गुंडे तुमने भेजे थे मुझे मारने के लिए? खैर कोई बात नहीं, गुस्से में अक्सर इंसान ऐसा ही करता है। भाई साहब अब सारी बातें छोड़ो, वीर और सालू की शादी की बातें करते हैं।